हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियर्स यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, रेडमी की नोट सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता है, इंडिया में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब फाइनली जो रेडमी की नोट सीरीज के जो अपकमिंग सीरीज रहने वाली है, रेडमी नोट 12 सीरीज, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। एंड उसमें से जो रेडमी नोट 12 प्रो वाला स्मार्टफोन रहने वाला है, उसके फर्स्ट लुक स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट रेडमी ने खुद ही यहाँ पर कन्फर्म कर दी, जो कि आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 12 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में। तो 27th ऑफ अक्टूबर को ये ऑफिशियली चाइना मार्केट के लिए यहाँ पर लॉन्च करा जाएगा। इंडिया लॉन्च कब होगा? तो इंडिया लॉन्च बताया जा रहा है नवंबर के एंड तक के आपको स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे, जो अपकमिंग रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन रहने वाले, जो स्पेसिफिकेशन फर्स्ट लुक जो रिवील्ड हो चुके हैं, वो आज की वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे रेडमी K50i जैसा आपको कैमरा लेआउट देखने को मिलता है, लेकिन ये बार आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। दिखने में फोन यहाँ पर काफी सही लग रहा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गेन आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, तो बताया जा रहा है 6GB 8GB आपको अलग अलग वेरियंट देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है, रेडमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन रहेगा जिसमें आपको डायमेंसिटी 1080 वाला चिपसेट मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। डुअल 5G को यहां पर ये सपोर्ट करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप देखोगे, Redmi Note 11 सीरीज के कंपैरिजन में यहां पर काफी बड़ा अपग्रेड करा गया है। कैमरास की अगर हम बात करें, जो कि अगेन मैं कहूंगा Redmi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। हमेशा से हम देखते हैं यहां पर Redmi कुछ सालों से जो कैमरा डिपार्टमेंट में इतना खास काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो Redmi Note 12 सीरीज, स्पेशली जो Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन रहेगा, कैमरा सेटअप जबरदस्त वाला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है, वो आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 वाला सेंसर मिलेगा OIS के साथ में, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। बाकी तो आप सभी को पता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है OIS के साथ में नोट सीरीज में काफी अच्छा लगा। साथ ही में हम सेंसर्स की बात करें, यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगेन अगर आप देखोगे फर्स्ट लुक वाली जो इमेज है, यहां पर अगेन बताया जा रहा है साइड मोडेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर रहेगा। अब 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, अभी फिलहाल के लिए पता नहीं है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन UI की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ द बॉक्स बताया जा रहा है एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, MIUI पे यहां पर ये रन करेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। एंड जो Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन रहेगा, बताया जा रहा है 120 वाट का चार्जर डब्बे में जो Redmi वाले आपको प्रोवाइड कराने वाले, तो ये डिपार्टमेंट में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो डिजाइन अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है, कैमरे में भी काफी ज्यादा अपग्रेड यहां पर करा गया है, सेंसर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, UI आपका MIUI मिल जाता है, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप नोट सीरीज के हिसाब से अगर आप देखते हो, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन ये बार आपको Redmi वाले प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही में प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, जो प्राइस पॉइंट लीक हुई है, बताया जा रहा है चाइना में आपको 20 से 25 हजार रुपए के बीच में इसका बेस वन देखने को मिलने वाला है। एंड 25 हजार रुपए के आसपास भी अगर ये आता है, काफी सॉलिड ऑप्शन यहां पर हो सकता है। साथ ही में इंडिया वाले वेरिएंट की अगर हम बात करें, इंडिया में ऐसा आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो इंडियन मार्केट के लिए रखा जाएगा, सेम टू सेम वेरिएंट इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्रोसेसर आप बोल सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे, कैमरे में 19-20 करके जो है इंडिया में बताया जा रहा है नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्ट में देखने को मिल सकता है। वैसे 27th ऑफ अक्टूबर को यह स्मार्टफोन या आप बोल सकते हो सीरीज जो है चाइना में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। वैसे कैसा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपकमिंग रेडमी नोट 12 सीरीज को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या स्पेसिफिकेशन आप रेडमी से एक्सपेक्ट करो, क्या प्राइस पॉइंट पे करो, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि सबको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।